सो हेलो गाइस, कैसे पीछे हो आप सभी लोग? शाबाश यार, ये क्रीपर इंट्रो भी रिकॉर्ड करने नहीं देता है। सो क्या हाल है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के लवर्स, आज आपके लिए वीडियो आ चुका है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग गेम के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 प्रो सेटिंग्स फॉर क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। एंड गाइस, ये सीक्रेट सेटिंग्स आपको शायद ही पता होंगी। तो गाइस यार, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो क्या करना है आपको तो पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्दी जल्दी 100 के करवाना है। सब्सक्राइब और लाइक नहीं करोगे तो मैं गलत गलत सेटिंग्स बता दूंगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? और आप में से जो भी मुझसे बात करना चाहता है वो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो सकता है, कमेंट्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले वाला जो ट्रिक है गाइस, वो काफी ज्यादा ऑसम है और गाइस ये सर्वाइवल में भी बहुत ज्यादा हेल्प आपका करेगा। आप में से बहुत लोग सर्वाइवल क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में खेलते ही होंगे और उसमें फार्मिंग तो करते ही होंगे, लेकिन हम जब भी फार्मिंग करते हैं जो क्रॉप्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा लेट से ग्रो होते हैं। इसका भी गाइस एक सॉल्यूशन है, बस एक सेटिंग हमें करना है तो गाइस वो चीज बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। रैंडम टिक्स में आके बस यहाँ पर 100 लिख देना और गाइस वापस से बैक आ जाना और गाइस क्रॉप का यहाँ पर ग्रोथ देखो गाइस, जो नॉर्मली रहता है उससे बहुत ज्यादा फास्ट यहाँ पर क्रॉप ग्रो होने लगेगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो क्रॉप है वो कितना ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है गाइस, देख सकते हो लिटरली बस 1 मिनट के अंदर हमारा क्रॉप कितना ज्यादा ग्रो हो चुका है। जिसको आप लोग कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर गाइस नीचे में आपको कमांड शो हो रहा होगा, सेम टू सेम ये कमांड आपको टाइप कर देना है, देन गाइस आपको ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। एंड गाइस अब आप इसका ग्रोथ देख सकते हो कितना फास्ट ग्रोथ हो रहा है और गाइस ये मैक्सिमम इसका स्पीड लिमिट है। सो गाइस ये काफी ज्यादा यूजफुल सीक्रेट सेटिंग है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस आप लोग सारे सीक्रेट सेटिंग्स देख लो, सारे सीक्रेट सेटिंग देखने के बाद इसमें से आपको जो पता होगा नीचे कमेंट में उसका नंबर लिख देना, जैसे फर्स्ट नंबर वाला पता होगा तो फर्स्ट लिख देना। अभी गाइस जो नेक्स्ट सीक्रेट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको शायद ही पता होगी। एंड गाइस ये काफी ज्यादा ऑसम सीक्रेट सेटिंग है गाइस, जब भी आप लोग सर्वाइवल खेलते हो क्राफ्टिंग बिल्डिंग या माइनक्राफ्ट में तो गाइस आप लोग नाइट विजन का जो पोशन रहता है वो तो पीते ही होगे। सो गाइस पोशन लेते ही ये जो ब्लू ब्लू इफेक्ट आता है ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है गाइस, इस चीज को भी हम लोग हटा सकते हैं बस एक कमांड के हेल्प से। आपको कमांड नीचे शो हो ही रहा होगा, जैसे ही कमांड आप लोग टाइप करोगे धीरे धीरे आपको ये इफेक्ट हट जाएगा। और गाइस अब देख सकते हो नाइट विजन तो हम लोग यूज कर रहे हैं और मैं सर्वाइवल में भी हूँ लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ये इफेक्ट इरिटेटिंग लगता है तो आप लोग ये वाला सीक्रेट सेटिंग को ट्राई कर सकते हो। जब भी हम लोग माइनक्राफ्ट या क्राफ्टिंग बिल्डिंग खेलते हैं तो हमें कोई भी मॉन्यूमेंट वगैरह या कोई भी अच्छा चीज को ढूंढने में टाइम लग जाता है। जैसे अभी 1.19 अपडेट में एंशिएंट सिटी आया है जो कि हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको ढूंढने में, लेकिन बस आप लोग अब एक सेटिंग के हेल्प से उसको 1 सेकंड में ढूंढ लोगे। चले जाना आपको चैट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको /locate सर्च कर लेना है। देन गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप लोग ढूंढ सकते हो इतने सारे मॉन्यूमेंट्स और जो भी चीजें हैं इन सबको। तो गाइस मेरे को तो एंशिएंट सिटी ढूंढना है, तो गाइस यहाँ पर बस एंशिएंट सिटी टाइप कर देना है तो आपको एंशिएंट सिटी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो गाइस हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, वाई की जगह पर बस आपको 100 लिख देना है। तो गाइस जो कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिले थे उस वाले कोऑर्डिनेट पे मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। 2 सेकंड वेट करना, वर्ल्ड लोड हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट पे आने पे आप लोग ऐसी जगह पे स्पॉन हो जाओगे, बस नीचे का ब्लॉक्स तोड़ते जाना है, जस्ट आपके नीचे ही रहेगा एंशिएंट सिटी। तो गाइस देख सकते हो मैं एंशिएंट सिटी में पहुंच गया हूँ, बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है ये, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। इजी ट्रिक से बहुत सारी चीजों का हम लोग को लोकेशन बस एक कमांड से मिल जाता है। अभी जो अगला सीक्रेट सेटिंग्स है वो नए यूजर्स के लिए जो माइनक्राफ्ट या क्राफ्टिंग बिल्डिंग नए खेलते हैं, तो जो भी नए प्लेयर्स है वो जब गेम को खेलते हैं तो वो उनके पास यहाँ पर स्प्लिट्स कंट्रोल वगैरह नहीं रहता है, गोल गोल यहाँ पर शो हो रहा है और व्हाइट व्हाइट यहाँ पर रहता है, यहाँ पर कोई आउटलाइन वगैरह भी नहीं दिखता है। और अगर प्लेयर का हैंड मूवमेंट देखे तो प्लेयर का हैंड मूवमेंट भी नहीं होता है जॉब एडिशन के जैसा। इन सब चीज को हम लोग कुछ सेटिंग्स के हेल्प से ला सकते हैं, टच में जाके स्प्लिट कंट्रोल को ऑन कर देना तो स्प्लिट कंट्रोल हमें यहाँ पर मिल जाता है। जॉब एडिशन जो खेलते हैं उनमें आप लोग देखते होंगे कि लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में आपके प्लेयर का एक डॉल दिखता है, तो गाइस ये देखो ये सेटिंग से आप लोग उसको ला सकते हो, बस हाइट पेपर डॉल को ऑफ कर देना। तो चलो गाइस बाकी की चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग में चले जाना, वीडियो में चले जाना, यहाँ पर आपको आउटलाइन सिलेक्शन दिख रहा होगा उसको ऑन कर देना और व्यू बॉबिंग को भी ऑन कर देना। अब गाइस देखो अब अपना गेम ज्यादा प्रोफेशनल जैसा दिख रहा है। एंड गाइस अपना हैंड मूवमेंट भी देख सकते हो, आउटलाइन भी यहाँ पर शो हो रहा है। ऑलमोस्ट चीज तो हम लोग चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स के हेल्प से, लेकिन हम लोग इन्वेंटरी को जावा एडिशन जैसा नहीं कर सकते हैं। जब भी हम लोग सर्वाइवल खेलते हैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में तो गेम हमें बहुत ज्यादा लेट रिस्पॉन्ड देता है, ये चीज को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं बस एक सेटिंग के हेल्प से। सेटिंग्स में जाके गेम्स में जाना है, सबसे नीचे में इमीडिएट रिस्पॉन्ड दिखेगा वो ऑफ रहता है, उसको ऑन कर देना है। अभी गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मिलीसेकंड भी नहीं लगता और आप लोग रिस्पॉन्ड हो जाओगे, ये वाला सीक्रेट सेटिंग काफी ज्यादा कूल है। सो या गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। और अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, मैं सबका रिप्लाई वहाँ पर देते रहता हूँ और वॉइस चैट भी करता हूँ। सो ओके गाइस यार, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।